वहीं दिल्ली के साथ साथ अब मध्य प्रदेश के 7 शहरों में ग्वालियर की हवा भी सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। केंद्रीय और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला में इसका खुलासा हुआ है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 7 शहरों की एयर प्रोग्राम की समीक्षा के दौरान यह खुलासा हुआ है। समीक्षा के दौरान इस बात की चिंता भी जाहिर की गई है कि ग्वालियर में समय रहते हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली जैसे हालात बन सकते हैं ज्यादा प्रदूषित। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की रिपोर्ट में खुलासा, ग्वालियर में तेजी से बढ़ रहा वायु प्रदूषण, शहरवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर, जिम्मेदारों ने प्रदूषण रोकने वाले प्लान पर नहीं किया अमल। बता दें कि एमपी में इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सागर, देवास और उज्जैन को एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए एनएसीपी के तहत फंड जारी हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत काम किए जाने के बाद भी इंदौर को छोड़ सभी शहरों की स्थिति खराब बनी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बीते 5 साल से एनएसीपी पर काम कर रहा है। ग्वालियर में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण के पीछे कई अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें कई जगह सड़क की स्थिति खराब होना सबसे बड़ा कारण है। ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति के चलते भी यहाँ पर धूल अधिक होने से वायु प्रदूषण अधिक रहता है। इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्लान भी तैयार किया गया है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। सभी विभागों को जिम्मेदारी भी बांटी गई है, लेकिन विभागों ने मैदानी स्तर पर कुछ नहीं किया। बता दें कि ग्वालियर के एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए आईआईटी कानपुर से सुझाव दिए गए हैं, लेकिन उन सुझावों के मिलने के बावजूद भी उस पर जिम्मेदार अधिकारियों ने धरातल पर काम शुरू नहीं किया। यही वजह है कि अब ग्वालियर के वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली के वायु प्रदूषण जैसी होने की संभावना बन गई है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को अपने स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर से भुगतना पड़ रहा है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। देखिए, इसमें ग्वालियर शहर प्रदूषित शहर है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। इस तरीके के करीब 150 शहर पूरे इंडिया में चुने गए हैं, जिनको एनकैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एनकैप प्रोग्राम है, इसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहते हैं इसको। इसमें ग्वालियर शहर भी है। इस क्लीन एयर प्रोग्राम को कई बिंदुओं के आधार पर पूरा एक कार्य योजना तैयार की गई है, और उस कार्य योजना पे नगर निगम ग्वालियर द्वारा काम किया जा रहा है। सीधा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में ये सारे काम होते हैं, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनकी मॉनिटरिंग करता है, और इसके बाद इन कामों के प्रोग्रेस को देखते हुए फंड रिलीज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उससे इनको कार्रवाई